लोकसभा चुनाव शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने आखिरी दांव खेल रही हैं। इसी बीच आज कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मौजूदगी में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया गया। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को न्याय पत्र का नाम दिया है। बता दें कि घोषणा पत्र 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है। ये 5 न्याय हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नावी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय है। इस मौके पर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, पार्टी की घोषणा पत्र समिति के प्रमुख और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और कई अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। घोषणा पत्र में 25 तरीकों की गारंटियां दी गई है। खड़गे ने कहा कि हमारा घोषणा पत्र गरीबों को समर्पित है। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए, इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। इन 5 पिलर्स में से 25 गारंटी निकलते हैं। हर 25 गारंटी ने किसी ना किसी को लाभ मिलने का इसके अंतर्गत यहाँ पर हमारे मैनिफेस्टो में भी है। चुनाव है, ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है।